आज का वीडियो बड़ा जरूरी वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपके सामने लाइव गाने निकालने की प्रैक्टिस करूंगा। आपको बताऊंगा कि लाइव कैसे गाना सुन के निकाला जाता है, उसके पीछे आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या ट्रिक्स यूज करने हैं। सो यहाँ पे मैं एक गाना चलाने जा रहा हूँ, कर्ण अर्जुन मूवी से है ये बंधन तो प्यार का बंधन। लाइव गाना चलाऊंगा और उसके सामने मैं आपको दो तीन गाने और भी पकड़ के दिखाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। सबसे पहली चीज देखिए, मैं क्या नोटिस करता हूँ, आप भी उस चीज को नोटिस करने की कोशिश करिए जिससे आप जल्दी पकड़ पाएंगे मैं गाना कैसे निकालता हूँ। अभी देखिए इसमें क्या है कि मैंने सुना और मेरे को इसका म्यूजिक याद हो गया। मैंने उसका स्केल पकड़ा। कहाँ पे आ रहा है ढूंढते हैं। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने गाना सुना था। अभी चलिए जरूरी नहीं मैं ये स्केल छोड़ तो मैं कोई और स्केल पर, जैसे ये स्केल यहां से भी निकल गया। कैसे पॉसिबल है ये चीज, मैं कैसे इजिली कर पा रहा हूं। इसका एक ही रीजन है कि मुझे जितने भी स्वर है हारमोनियम, जैसे मान चलिए ये स्वर है, इस स्वर से मुझे पता कि मेरा सा कहां पे आएगा, रे कहां पे आएगा, गा कहां पे आएगा, मा कहां पे, डायरेक्टली मुझे पता कि ये मेरा शुद्ध गा, ये मेरा पा है, ये मेरा शुद्ध नी है। जैसे मान चलिए मैंने ये स्केल लिया, इसका भी मुझे पता कि ये मेरा सा है, ये शुद्ध गा, सॉरी क्या बोलते हैं, शुद्ध गा हो गया, फिर ये पा हो गया, ये कोमल गा हो गया। जैसे ये पकड़ा सा शुद्ध गा पा, एक एक स्वर का पता कि गा कहाँ पे, रे कहाँ पे, मा कहाँ पे, धा कहाँ पे, नी का, सब स्वरों का अनुभव है मुझे। ये मुझे अनुभव कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सारे अलंकार बजा रखे अलग अलग स्केल से, अलग अलग थाटों से। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सर ये गाने की नोटेशन दीजिए, वो गाने की नोटेशन, कितने गानों की नोटेशन आप याद करोगे, मुझे एक चीज का सवाल दीजिए। दुनिया में अरबों खरबों गाने हैं, आप क्या अरबों खरबों गाने की नोटेशन याद करेंगे। उससे अच्छा कि आप सीखने पे फोकस करिए, स्केल सीखिए, थाट सीखिए, अलंकार सीखिए, अपने आप गाने निकालने आ जाएंगे। ठीक है, सो मैंने, मेरे को गाना ऑलरेडी मैंने सुन रखा है, क्योंकि ये ऐसा गाने है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो इनको अपन को बार बार सुनने के जुड़ने एक ही बार में हमें समझ आ जाता है कि गाने का मेन चीज होता है कि हमें उसका रूट नोट पकड़ना। रूट नोट क्या होता है कि जो स्वर जहां से वो गाना शुरू हो रहा है हमें सिर्फ वही नोट ढूंढना, अपने आप आगे वाले स्वर चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक और कोई लाइव गाना देखता हूं, इसमें अगर कोई मिल जाए मेरे को, जैसे चलिए ये ले लेते हैं अपन, इसका पकड़ते हैं। तो इसमें एक ऐड आ गई, एक ऐड को स्किप करते, मैं आपके सामने लाइव स्केल पकड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि ताकि कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने कोई गाना रट्टा लगा रखा है जैसा कुछ। जो जो गाने लाइव सामने दिखते रहेंगे अपन वही चलाते रहेंगे, उनका स्केल पकड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए कैसे पकड़ में आ गया। ठीक है, लाइव चला है ना, अभी एक और गाना आपके सामने कोई लाइव चलाता हूं, जैसे मान चलिए चलिए ये गाना पकड़ लेते हैं, जो जो सामने लाइव चल दिखता जाएगा। अब इसका भी स्केल मिल गया, ठीक है।
लाइव जलाया, ठीक है एक दो बार गाना सुनूंगा मेरे को पूरा डिटो याद है, एक और गाने की एग्जांपल लेते, क्योंकि समझना जरूरी कि मैं कैसे रैंडमली कोई भी गाना पकड़ पा रहा हूँ। जैसे मान चलिए जैसे ये गाना पकड़ते हैं, मतलब कि आसपास पहुंच गए गाने, एक दो बार और गाना सुनूंगा इजिली बजा पाऊंगा। क्योंकि देखो ये एक बहुत अलग चीज़ है कि रैंडमली आप एक गाने से दूसरे गाने पे शिफ्ट होना, तीसरे पे शिफ्ट होना, इट्स नॉट एज एन ईजी थिंग कि लाइव वो भी आप कोई भी यूट्यूब पे रैंडमली गाना सुना उसको पकड़ के बजाओ, ठीक है। मेन चीज़ है कि आप भी मेरी तरह ये कैसे पकड़ सकते, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट थिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलंकार बजाने पड़ेंगे हर एक स्केल से, यानी कि पहली गाली से भी बजाइए, दूसरी से बजाइए, तीसरी से बजाइए, चौथी से, पाँचवीं, कोई ऐसा स्वर ना छोड़िए जहाँ से आपको बजाना ना आता हो, तभी आप कोई भी गाना खुद मेरी तरह जैसे मैं पकड़ पा रहा हूँ आप भी पकड़ पाएंगे। देखो परफेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई बंदा बजा सकता है ये चीज़ें, ठीक है। बात है प्रैक्टिस की, पहली बार में गाना पकड़ना और डिट्टो कॉपी करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, क्योंकि देखो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्केल पकड़ पा रहा हूँ लेकिन गाना में थोड़ा थोड़ा मैं फंस रहा हूँ। क्यों फंस रहा हूँ, क्योंकि एक राग से सडनली आप दूसरे राग में जंप करें, दूसरे से फिर तीसरे, क्योंकि हर एक गाना एक राग में नहीं है। पहला गाना हमने अलग राग में बजाया, दूसरा अलग राग में बजाया, तीसरा अलग में बजाया, क्योंकि राग चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली नोट्स चेंज हो गए, तो आपको थोड़ा उसको एडजस्ट करने में पकड़ने में समय लगेगा। लेकिन मेन चीज़ है आपका स्केल, अगर आपको सही स्केल पकड़ में आ गया, आप एक बार गाना सुनोगे, दूसरी बार सुनोगे, तीसरी बार आप गाना पूरा कॉपी कर दोगे। सो इसके लिए आपको सारे स्केल आने चाहिए, सारे थाट आने चाहिए, सारे अलंकार आने चाहिए, अपने आप गाने निकलने लग जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये तीसरी गाली, तीसरी गाली अगर मैं पूछूँ कि पा कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पा बनेगा, ये गा बनेगा। सेम एज मैं पूछूँ कि इसका पा कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पा ये बनेगा, शुद्ध गा ये बनेगा, कोमल ये बनेगा। हर एक स्वर का आपको ये सा गा पा मा धा एक एक स्वर पता होना चाहिए, आपके लिए गाना निकालना इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं।